यूपी के डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर भारतीय मित्र पार्टी ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। मधुबनी जिले के सदघरा प्रखंड में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस सदघरा के केवटी 0 माइल तक निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बदले की भावना से एक जाति विशेष को टारगेट कर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। इसका भारतीय मित्र पार्टी घोर निंदा करती है। ऐसी राजनीतिक से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के मुख्यमंत्री हैं, उनको भेदभाव शोभा नहीं देता है। डॉक्टर कफील खान पेशे से एक डॉक्टर हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा, उसके बदले में सरकार ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा डालकर उन्हें फंसाने का काम किया है। यूपी में जैसे लग रहा है कि जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। जो भी आवाज बुलंद करता है उसकी आवाज दबाने का काम योगी सरकार करती है। जैसे आज आप देख लीजिए, विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है ताकि सभी राज्य के नई सफेद पोशों के राज उसकी मौत के साथ दफन किए जा सके। भारतीय मित्र पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को रिहा किया जाए, साथ ही झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। आज का जुलूस बड़ा आंदोलन नहीं, सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर रिहाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ललित सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज उर्फ भोला, मधुबनी जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो, दरभंगा जिला अध्यक्ष मोहम्मद चांद, राम अवतार यादव, राम लखन महतो, मोहम्मद आलम, जावेद नूरेन, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली में उपस्थित रहे। मधुबनी से रंजन अभिषेक की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि आप लोग मोटरसाइकिल जुलूस निकाले हुए हैं, आज क्या बात है? इसका मुख्य कारण है डॉक्टर कफील खान जो हैं, वो एक निर्दोष व्यक्ति हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना सा है कि सरकार से उन्होंने प्रश्न किया, यूपी सरकार से, और गरीब मजदूरों का उन्होंने इलाज किया। क्या ये गुनाह है? गुनाह तो वो है जो पुलिस की 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। और विकास दुबे जैसा व्यक्ति यूपी से मध्य प्रदेश भाग गया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसका एनकाउंटर करवा दिया सिर्फ राज दबाने के लिए। तो भारतीय मित्र पार्टी की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और डॉक्टर कफील खान को उसको जल्द से जल्द रिहा करे, अन्यथा भारतीय मित्र पार्टी पूरे देश के अंदर जो भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आज ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना कहिए, ट्रेलर दिखा रहा हूं। यदि जल्द से जल्द झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया और उनको रिहा नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में नजर आएगा योगी सरकार को। और जो 2022 का सपना देख रहे हैं योगी सरकार और जो 2020 में विधानसभा बिहार में चुनाव है, उनका सफाया 0 हो जाएगा। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कुछ बोलेंगे? विकास दुबे की एनकाउंटर एक सोची समझी प्लानिंग के तहत है, क्योंकि बहुत सारे राज ऐसे दबे हुए थे, विकास दुबे के साथ वो चले गए। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का उसके अंदर हाथ था, विकास दुबे के सर के ऊपर हाथ था। नहीं तो एक तरफ रामराज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जंगल राज चल रहा है यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। तो जनता इनकी घटिया राजनीति एक एक व्यक्ति समझ चुकी है, इसीलिए विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है ताकि कोई राज ना जान सके। क्योंकि जब जांच होती तो उच्च स्तरीय की जांच होती और उसका खुलासा होता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे उसके अंदर आते, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है।